जुर्म की दुनिया इतनी बड़ी और गहरी हो चुकी है कि कई बार कानून के लंबे हाथ भी अपराधी को पकड़ने में नाकाम साबित हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि कई बार शातिर अपराधी जुर्म को इतनी सफाई से अंजाम देता है कि पुलिस के हाथों आसानी से कोई सुराग नहीं लगता। इसलिए पुलिस को फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है, जो वैज्ञानिक तरीकों से अपराधी तक पहुंचने का मार्ग तैयार करते हैं। ऐसे बहुत से क्राइम के मामले हैं जिन्हें सुलझाने में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सराहनीय काम किया है। इसमें एक चर्चित नीरज ग्रोवर मर्डर केस भी शामिल है। आइए अब विस्तार से जानते हैं नीरज ग्रोवर मर्डर मिस्ट्री के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम खुलासा करते हैं सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरीज के बारे में, जिसका उद्देश्य आपको सतर्क और सावधान करना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीरज ग्रोवर मर्डर केस इतिहास का एक हाई प्रोफाइल्ड मर्डर केस माना जाता है। बर्बरता से की गई हत्या की वजह से इस केस ने काफी मीडिया अटेंशन पाया था। ये मामला मई 2008 का है, जिसमें नीरज ग्रोवर नाम के एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। नीरज ग्रोवर मुंबई में एक टीवी प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे। हत्या के बाद उनके शरीर के कई टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया गया था। इस केस पर लगातार 3 सालों तक ट्रायल चला और 2011 में मामले पर फैसला सुनाया गया था। नीरज ग्रोवर मर्डर मिस्ट्री के बारे में, दरअसल ये एक लव ट्रायंगल था जिसका शिकार हुआ नीरज ग्रोवर। कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के राकेश यादव की केस स्टडी के अनुसार इस केस के 3 मुख्य लोग थे। पहला नीरज ग्रोवर, दूसरा मारिया सुसायराज कन्नड़ एक्ट्रेस, तीसरा मारिया सुसायराज का बॉयफ्रेंड एमिल जेरोम मैथ्यू, नेवी का एक लेफ्टिनेंट। तो होता यूं है कि मारिया सुसायराज नाम की एक कन्नड़ एक्ट्रेस अपना करियर बनाने के लिए अप्रैल 2008 में मुंबई शिफ्ट होती है। यहां उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से होती है, जो कि एक टीवी प्रोडक्शन हाउस में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा था। नीरज उस कन्नड़ एक्ट्रेस की मदद करता है करियर बनाने में। इस बीच दोनों ने काफी नजदीकियां भी आ गई थी। मारिया सुसायराज मलाड में फ्लैट किराए पर लेती है। 6 मई 2008 को नीरज शिफ्टिंग में मदद करने के लिए मारिया सुसायराज के घर जाता है और वहीं रुकता है। इसी बीच मारिया के बॉयफ्रेंड एमिल जेरोम मैथ्यू का कॉल आता है। कॉल के दौरान वह कमरे में मर्द की आवाज सुनता है। मारिया बताती है कि वह उसकी घर शिफ्टिंग में मदद करने के लिए आया है। मारिया का बॉयफ्रेंड उसे रात भर ठहराने के लिए मना करता है, लेकिन मारिया इस बात को नजरअंदाज कर जाती है। मारिया का बॉयफ्रेंड मैथ्यू उस दौरान कोच्चि में था। उसे लगता है कि मारिया और नीरज के बीच कुछ चल रहा है। वह फ्लाइट पकड़ता है और अगली सुबह कोच्चि से मुंबई आ जाता है। वह मारिया के घर आता है और नीरज को वहां देख आग बबूला हो जाता है। फिर वह नीरज से बहस करता है और फिर हाथापाई पर उतर आता है। इसके बाद मैथ्यू किचन से चाकू लाकर नीरज की हत्या कर डालता है। इसके बाद शुरू होता है बॉडी को ठिकाने और सबूतों को मिटाने का काम। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए शरीर के करीब 300 टुकड़े किए जाते हैं और गार्बेज बैग्स में डाले जाते हैं। मारिया अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आती है और नीरज के शरीर के टुकड़ों से भरे बैग्स को गाड़ी में भर पास के जंगल लेकर जाती है। वहां उन बैग्स को जला दिया जाता है। फिर दोनों घर के फर्नीचर चादर को बदल देते हैं और दीवार पर भी नया पेंट कर देते हैं। बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर राघु जी एनंद के इंपॉर्टेंस ऑफ फोरेंसिक साइंस इन लॉ डोमेन पर रिसर्च पेपर के अनुसार, जब नीरज टीवी इंडस्ट्री में मारिया को रोल न दिलाया तो मारिया के अंदर उसके प्रति द्वेष विकसित हुआ और उसने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से नीरज की हत्या का प्लान बनाया। मारिया का बॉयफ्रेंड कोच्चि से मुंबई आया और फिर दोनों ने फ्लैट में ही नीरज की हत्या कर डाली। इसके बाद बॉडी के टुकड़े किए गए और फिर शहर की सीमा से सटे सुनसान इलाके में जाकर बॉडी के टुकड़ों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। इसके बाद बाकी सबूत भी मिटा दिए गए थे। जब नीरज के घर वालों को उसकी गुमशुदगी का पता चला तो नीरज की मिसिंग की FIR मुंबई के थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन नीरज तक पहुंचने के कोई ट्रेसेस नहीं मिल पाए। इसके बाद मारिया और मृत के करीबियों का कई दिनों तक इंटरोगेशन चलता है। मामला कोर्ट में पहुंचता है।
कोर्ट में कई तरह की दलीलें पेश की जाती हैं और बयान लिए जाते हैं। मारिया से अपने बचने के लिए कई तरह की कहानियां घड़ी। उसने पुलिस से ये तक कहा था कि नीरज रात 8 बजे चला गया था। वहीं जब पूछताछ लगातार चलती रही तो उसने से कबूल किया कि नीरज रात भर रुका था। वहीं उसने कोर्ट में यह भी कहा था कि वह नीरज से सिर्फ 4 मई कत्ल से 2 दिन पहले को ही मिली थी। वहीं उसने ये भी कहा कि उस दिन नीरज और मैथ्यू के बीच झड़प हो गई थी। वहीं मारिया के रेसिडेंस के चौकीदार ने बताया कि उसने मारिया और उसके बॉयफ्रेंड को एक कार में बड़े बड़े बैग्स डालते देखा था। वहीं मैथ्यू के फोन कॉल और मुंबई के लिए टिकट बुकिंग के बारे में भी पता चला। ये सबूत साफ तौर से प्लांड मर्डर की ओर इशारा कर रहे थे। 11 जुलाई 2011 को मुंबई सेशन कोर्ट ने मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को नीरज की हत्या के आरोप में आईपीसी 1860 के सेक्शन 304 गैर इरादतन मानव हत्या के तहत 10 साल की सजा सुनाई। वहीं सेक्शन 204 के तहत सबूत मिटाने के आरोप में और 3-3 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही 1,00,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं मारिया को 3 साल की सजा सुनाई गई और 50,000 का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि मारिया ने ट्रायल के दौरान सजा के 3 साल बिता लिए थे, इसीलिए उसे फ्री कर दिया गया था। ग्रोवर मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना बिना फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुश्किल ही था, क्योंकि इस केस में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर राघु जी एन एंड के अनुसार यहां फॉरेंसिक के डेटा बहुत मायने रखते थे। साथ ही फॉरेंसिक पर कोर्ट की निर्भरता भी साफ पता चल रही थी। इस मामले में फॉरेंसिक के डीएनए एक्सपर्ट को अदालत में बुलाने की मांग की गई थी। जैसा कि हमने बताया कि मारिया और उसके बॉयफ्रेंड ने नीरज की बॉडी के टुकड़े जलाने के बाद बाकी सबूतों को मिटा दिया था। इस स्थिति में अपराधी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना फॉरेंसिक के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बड़ी कुशलता से डीएनए नमूने एकत्र किए। वहीं पुलिस द्वारा प्राप्त किए गए शरीर के अवशेष जैसे जली हुई हड्डियां व दांत आदि से मृत की शिनाख्त करना नामुमकिन सा ही था, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस चुनौती का भी सामना किया और प्राप्त अवशेषों के डीएनए को मृत के माता पिता के डीएनए से मैच कराकर मृत की शिनाख्त की। नीरज ग्रोवर हत्याकांड में गवाही देते हुए एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ एस एच लेड ने कहा था कि ठाणे में मनोर के जंगलों में मिली जांद की हड्डी नीरज ग्रोवर की ही थी। ग्रोवर को मारिया और उसके बॉयफ्रेंड ने ही मारा था। फॉरेंसिक विशेषज्ञ एस एच लेड ने यह भी कहा था कि जिस कार का इस्तेमाल मृत के बॉडी के टुकड़ों को जंगल ले जाने के लिए किया गया था, उसकी सीट कवर, दरवाजे के हैंडल पर मौजूद खून के धब्बे और चाकू से प्राप्त किए गए डीएनए सैंपल नीरज ग्रोवर के माता पिता के डीएनए से मैच खाते थे। तो देखा दोस्तों आपने, क्राइम के रहस्य को सुलझाने में किस तरह फॉरेंसिक साइंस मददगार है। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।